हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है मेरा डेली रूटीन पर है। आज मैं आपको दिखाऊंगा नई और अच्छी वीडियोस जो मेरे चैनल का नाम है काशी एंड सिद्ध। आज मैं डेली रूटीन जो है आपको डेली रूटीन पर दिखाऊंगा। आज की मेरी वीडियो डेली रूटीन पर है। मेरे जो डेली रूटीन में काम है वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगा। और मेरी वाइफ है जो फ्रूट चाट और जो पकौड़े वगैरह बनाती हैं, बहुत ही अच्छे बनाती हैं। आज आपको दिखाऊंगा रेसिपी। अब मेरा नमाज़ पढ़ने का टाइम हो जाता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। ये हमारी पर्शियन कैट है फ्यूजी, से मैंने अभी खाना दिया है। देखें, आप खाना खा रही है माशाल्लाह से। और ये बहुत भूखी थी, जब भी खाना या बोलती हैं फ़ोन खाना आ रहा है। ये चिकन खाई फ्यूजी, हाई हाउ का नाम है फ्यूजी। ये बहुत छोटी थी जब एक महीने की, जब से हम पाल रहे हैं माशाल्लाह से। अब माशाल्लाह ये 5 महीने की हो गई है। सब ख़त्म करो जल्दी जल्दी, खाओ, छोड़ना नहीं है जितना भी दिया, सब ख़त्म करना है इसको। देखिए माशाल्लाह फ्यूजी ने सब खाना खा लिया है और प्लेट ख़त्म कर दी है। फ्यूजी देखो पर, सो गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी अच्छी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वेट, ये फ्यूजी आ गई है और ये रूम में जाएगी। देखें आप इसे, फ्यूजी आओ, चलो तंग नहीं करते, आओ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा रूम है, देखें आप। आओ फ्यूजी, आओ आओ, इधर आओ, बस ये देखें रूम में आ गई है, मेरे पीछे पीछे रूम में आ गई है फ्यूजी। अब ये बैठ गए आराम से। क्या हो फ्यूजी, भूख लग रही है? अभी तो खाना खाया आपने, है ना? अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है, आज मैं अपनी वाइफ से आपको तारुफ कराऊंगा और ये आज आपको बताएंगी कि क्या रेसिपी बना रही हैं। ये देखें, सिर्फ चाट मिक्स होना रह गई थी, मिक्स कर दी, इनकी वीडियो हमारी एंड हो गई थी। चाट मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, मिक्स कर ली हमारी, मज़ेदार थी। देखें रस कितना आ गया, कितना अच्छा कलर आ गया, अभी से रस इतना आ गया इसके अंदर। तो ये हमारी चाट इज रेडी, ओके, ओके, हम आपसे मिलते हैं। ये पकौड़े बन रहे हैं, बेसन बोला है, बेसन में कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, नमक, थोड़ा सा जल्दी गरम जीरा, गरम मसाला, ये सब डाला है। और उसमें इसके बैड उसमें प्याज डाली है, पालक डाली है, बंद गोभी और एक हरी मिर्च। ये देखिए हमारे फ्यूजी को, जहाँ मेरी वाइफ होती है, मेरी वाइफ के साथ साथ फ्यूजी घूम रही होती है। फ्यूजी क्या हुआ, बैठी हो आराम से, सकून मिल रहा है अभी किचन में? मैं तो पकौड़े हाथ से ही डालती हूँ, आप लोग स्पून से डालना चाहें स्पून से डाल दें, लेकिन हाथ से सही रहता है। और जैसे मैं किचन में काम करने आती हूँ, हमारा मिट्टू बोलना शुरू हो जाता है, पता चल जाता है कि किचन में काम हो रहा है। पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, मज़ा आता है खाने में, केचप चटनी होती है, पूरा खाने में बहुत मज़ा, स्पाइसी होता है। सारे पकौड़े डाल दिए हैं, अब आपको जब पकौड़े फ्राई हो जाए उसके बाद निकल के दिखाएंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं गर्म गर्म क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं। और थोड़ी देर बाद इसका अफ्तारी में जायका बहुत ही अच्छा होता है, अफ्तारी हम टेस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। और पापड़ भी इसके अंदर देखें ऐड है, पापड़ भी बहुत अच्छा टेस्ट है, चाट मसाला डाल के इसे हम खाते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अफ्तारी का सामान लेने के लिए समोसे वगैरह।
गया हूँ समोसा लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश, समोसा कितना रश होता है। ये समोसे बिक रहे हैं, समोसे ले लिए मैंने कीमे में। मैंने अब लिया है दूध, यही काले छोड़े घर पे वापस सामान लेकर। देखे खेल के थक गई है, आराम कर रही है थोड़ी देर। ये देखे दोबारा खेलने के लिए आई है, माशाल्लाह। इफ्तारी का टाइम शुरू हो गया हमारा, अब थोड़ी देर उधर खुलेगा। देखेंगे अच्छी इफ्तारी दस्तखान पर रखी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पकौड़े हैं, समोसे हैं, केचप है, रायता रखी है, जूस भी है, क्रीम वाला। ठीक है, मिलते हैं रेट के बाद। ये मेरी अम्मी है और ये दुआ कर रही है, वेट है, दो रुपये दुआ मांगते हैं, और अपने पे हम सब दुआ मांगते हैं। आप लोग भी हमें दुआ में याद रखिएगा। सो मैं जो है चाय बनाने जा रहा हूँ, मेरे हाथ की चाय सिद्धार्थ को बहुत पसंद है। आप देखें इसको, पत्ती डाल दी इसके अंदर मैंने। ये देखें आप, चाय में खुला रहा है, चाय में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट अभी। दूध पत्ती चाय है, इलायची वाली है। तो देख सकते हैं आप, ये गर्मा गर्म चाय रेडी है और दूध पत्ती चाय है इलायची वाली, जो मेरी वाइफ को बहुत पसंद आती है मेरे हाथ की। ठीक है, ज़बरदस्त चाय है। रोज़े के बाद अगर चाय नहीं मिले तो मज़ा ही नहीं आता फिर। हेलो हाय फ्रेंड्स, देखें अभी ये चाय बना के लाए, बहुत ही ज़बरदस्त सी। मेरे हस्बैंड चाय बना के लाए, बहुत ही कोऑपरेटिव है। अभी हम लोग नमाज पढ़ के बैठे हैं और ये चाय बना के लाए। थैंक यू सो मच। देखें इनकी हालत क्या हो गई, गर्मी बहुत ही भीषण है, चाय बनाने में वार्ड लग जाती है। ये किचन में खड़े रहो, तो बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल चाय बनी है। तो आप चाय पिए, बहुत मज़े की चाय होती है, जिसको पीनी आ जाए जी। अभी मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ, अब हम चाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। नमाज़ के बाद, रोज़े के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कुछ भी करने की। चाय पियेंगे रोज़े के बाद, चाय ज़रूरी होती है। उसके बाद पान चलेंगे, हाँ उसके बाद पान खाएंगे और बाकी आगे का व्लॉग ये कंटिन्यू रखेंगे कि शॉप चले जाते हैं ये फिर। ये देखें ये चाय आ गई ना, तो अब ये फ्यूजी को पता चल जाता है कि हम जो है ना चाय पी रहे हैं। यानी ये मैं नाश्ता करती थी ना, तो उसको मैं चाय पापा देती थी। अब नाश्ता तो होता नहीं है, अब शहरी में पराठे होते हैं, तो पापे मैंने इसके लिए मंगा के रखे हैं। पापे देखें तो बोलती हूँ मुझे चाय पापा दो मुझे। हाय हाउ यू फ्यूजी, हाउ यू नहीं, क्या हुआ फ्यूजी? ये मांग रही है, देखें बैठ के क्या हुआ फ्यूजी? छोनू है मेरी, छोनू छेजादी मेरी गुलिया। अच्छे तरीके से नरम करके देते हैं इसको, बिल्कुल। ये देखें ये क्या हुआ, छोनू मेरी छोनू है, ये छोनू मेरी छोनू। ये चाय में डिप कर रहे हैं इसके लिए, ये समझती हम नाश्ता कर रहे हैं, ठंडा करके दिएगा सुने। छोनू मेरी छोनू, छोनू को क्या हो गया? ये लो देखिए, समझ रही है मैं इसको दे रही हूँ। चलो फिर पापा दे आए, तुम्हारा ये लो। माशाल्लाह 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 से बहुत शौक से खाती है चाय पापा। बहुत दिनों बाद मिला ना, उन्होंने परसों भेजे थे सर शहरी में, लेकिन अब खाते नहीं है चाय पापा, रोज़े होते हैं तो नाश्ता होता नहीं है उसको। ये देखो आप लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा ऐसे देख के, रिलैक्स हो गई है। खा लो खा लो, और मेरे बगैर तो खाती नहीं बिल्कुल भी है। हाय गाइस, मैं अपनी शॉप से आ गया हूँ और मैं कोई जल्दी जल्दी में सैरी करी, इसलिए वीडियो नहीं बना सका अपनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो आपको वीडियो दिखाऊँगा सैरी की अपनी, तो
फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।